Hello guys, what's up? I am Shabbir. Welcome to the Daffodil classes. आज हम लोग पढ़ाई एक शानदार डे के साथ करते हैं, चिल्ड्रेंस डे. हर साल चिल्ड्रेंस डे 14 नवंबर को मनाया जाता है. 14 नवंबर को ही क्यों? क्योंकि 14 नवंबर 1889 को हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, इसी दिन हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर के जन्मदिन थे, है ना. इसी के याद में हम लोग हर साल चिल्ड्रेंस डे मनाते हैं. इसीलिए क्योंकि हमेशा हमारे प्राइम मिनिस्टर कहा करते थे कि हमारे जो बच्चे हैं इनको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहिए, इसे बहुत ज़्यादा देखभाल करना चाहिए, क्योंकि यही हमारा देश का क्या है, भविष्य है, यही हमारा देश का फ्यूचर है. इसीलिए हमें इसे हर हाल में क्या करना चाहिए, अच्छे से देखभाल करना चाहिए, अच्छा एजुकेशन देना चाहिए और इसे फ्यूचर के लिए तैयार करना चाहिए. इसीलिए हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, इन्हें चाचा के नाम से हम लोग जानते हैं. ओके, इन्जॉय करते हैं, चलो पढ़ाई करते हैं आगे. तो हमारा इस YouTube का सीरीज में मैथमेटिक्स क्लास 8th का, है ना, ये सीरीज चलेगा. इसको पूरा हम करेंगे, है ना. तो हम लोग सबसे पहले चैप्टर 14, जिस चैप्टर का नाम है फैक्टोराइजेशन, से स्टार्ट करते हैं. धीरे धीरे हम लोग पूरे मैथ्स को कवर करेंगे, है ना. ओके, तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर 14 में फर्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में कि फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स. तो इस गिवन टर्म्स का क्या निकालना है, कॉमन फैक्टर, जिसे हमारे पास क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि कॉमन फैक्टर निकालना है 12x, है ना, 36, इसका कॉमन फैक्टर निकालना. तो कॉमन फैक्टर निकालने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे कि फैक्टर होता क्या है, है ना. तो फैक्टर होता है जैसे किसी चीज़ को अगर हम तोड़ते हैं, जैसे मान लो हमारा एक घर है, अगर इस घर को हम टुकड़े टुकड़े करके तोड़ते हैं तो घर का जो हर ईंट क्या कहलाएगा, उसका एक फैक्टर. घर में अगर पंखा होगा तो पंखा भी उसका एक फैक्टर है, हर ईंट एक फैक्टर होगा. उसके अलावा अगर घर में कुर्सी है तो कुर्सी भी घर का क्या होगा, एक फैक्टर होगा. घर में रॉड से बना हो तो रॉड भी एक फैक्टर है. उसी तरीके से जैसे 12x है, इसको हम तोड़ेंगे, है ना. एक्स को तो तोड़ नहीं सकते हैं, किसको तोड़ेंगे हम, 12 को. तो 12 को तोड़ने के लिए आप जानते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, जैसे इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा. फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 आएगा. इसे 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1. यानी 12 का फैक्टर क्या हो जाएगा, हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 1. ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो 12x है, है ना, इसका फैक्टर लिखेंगे. क्या लिखेंगे 12 का, 2 × 2 × 3 × x. ओके, फिर हम क्या करेंगे 36 का लिखेंगे. तो 36 का क्या आएगा बच्चों, फैक्टर अगर हम करेंगे तो ये अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 18, है ना. ओके, फिर देन क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा. फिर हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 × 3 = 9, फिर 3 × 1 = 3. यानी 36 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3 × 3. यानी 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 16. ओके, समझ में आ गया, ठीक है. अब क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर अब यहां पे लिख लेंगे. क्या लिखेंगे बच्चों, कॉमन, है ना, फैक्टर. ओके, तो कॉमन फैक्टर बराबर हो जाएगा कि कॉमन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे. कॉमन मतलब ऐसा चीज जो सबके लिए हो. जैसे घर में अगर हमारा जो किचन है, वो किचन क्या है, कॉमन, मतलब सबको ही जा सकता है. लेकिन जो स्पेशल रूम होता है उसमें कोई जा नहीं सकता. मान लो कि अगर घर में भैया का रूम है, या फिर मम्मी का रूम है, या पापा का रूम है, या फिर एक बड़े भैया का रूम है, वो सबका अलग अलग रूम है. लेकिन एक कॉमन रूम है, जैसे कि जिसमें हम मेहमानों को बैठाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसे हम लोग, कॉमन रूम, है ना. या फिर जैसे पंचायत घर हो गया, जैसे गाँव वगैरह में, या फिर शहर में जहाँ पर स्टेशन वगैरह, तो स्टेशन क्या हो गया, कॉमन है, जो सबके लिए है. तो ऐसे ही कॉमन मतलब जो सबके लिए हो. जैसे कि यहां 2 है तो यहां भी क्या है, 2 है. मतलब 2 क्या है, कॉमन है. यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, तो हम यहां पे लिख देंगे 2. और कॉमन क्या है, यहां भी 2 है और यहां भी 2 है. ओके, तो दूसरा 2 भी कॉमन है. ओके, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, तो ये भी क्या है, कॉमन है. तो यहां भी क्या है, 3. और x क्या है, यहां है लेकिन यहां नहीं है, तो ये कॉमन नहीं है. तो कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12. ओके, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. चलिए
नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप करेंगे, अगर नहीं कर सकेंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना आपका, है ना, हम दूसरा वीडियो में आपको बता देंगे। चलिए इस क्वेश्चन के आगे, इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। चलो भैया, इस क्वेश्चन में क्या निकालना है कि 14PQ का कॉमन फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 14 को क्या लिख सकते हैं, 14 का यहाँ पे हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, 2 7 14 और 7 1 7, ओके। तो क्या हो जाएगा, हम 14 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय क्यू, ठीक है। और यहाँ पे जो ये 28 है और ये है हमारा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ पे आता नहीं है कॉपी पेस्ट करने में, है ना, इस तरह से नहीं आता, तो आप थोड़ा सा समझ लेंगे। अब हम 28 का फैक्टर निकालेंगे, 28 का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या होगा, 28 का 14 आ जाएगा, ओके। फिर 2 से 7 आ जाएगा, फिर 7 1 7, तो क्या लिख सकते हैं, 28 2 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय पी मल्टीप्लाइड बाय पी, पी स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ना पी मल्टीप्लाइड बाय पी, और क्यू स्क्वायर को क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, सी एफ मतलब कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर जैसे इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2 है, तो क्या आ जाएगा 2, और इसमें भी 7 है तो इसमें भी 7, तो क्या आ जाएगा 7, इसमें Q है लेकिन इसमें भी Q है, ठीक है, Q। अब बाकी है कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ पे P है लेकिन यहाँ पे P है लेकिन यहाँ पे P नहीं है, इसीलिए हमारे पास कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 7 14 और Q, यह हमारा हो जाएगा कॉमन फैक्टर। इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन में 3 है कोई बात नहीं, 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय x। उसी तरीके से हम 3x स्क्वायर है ना बच्चों, आप अपने मैथ्स का बुक में एनसीईआरटी का बुक में देख लें, क्वेश्चन नंबर 14.1 का चार नंबर का वन क्वेश्चन, तो 3x स्क्वायर, तो 3 हम क्या लिख सकते हैं इसे, x मल्टीप्लाइड बाय x, ओके। अब 4 का क्या लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे इसमें बताओ, क्या कॉमन, इसमें 2 है लेकिन इसमें नहीं है, है ना, इसमें है, ऐसा नहीं, कॉमन वही होगा जो तीनों में होगा, तो 2 हमारा कॉमन नहीं, एक्स इसमें है और इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका मतलब कोई कॉमन नहीं है, नहीं है कॉमन। हम इसमें क्या लिख सकते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 1, इसमें लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1, इसमें लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय 1, तो तीनों में क्या आ गया, 1 1 1 1, ठीक है, तो 1 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर, तो इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा 1 आंसर, ठीक है। आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन को करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या है, 6 a b c, तो हम क्या लिखेंगे इसे, 6 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी मल्टीप्लाइड बाय सी, ठीक है। अब 24 a b स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, मतलब थोड़ा सा लिखा नहीं जाता कॉपी पेस्ट में, तो 24 का हम सबसे पहले यहाँ निकालेंगे कॉमन फैक्टर, तो 24 को कैसे निकालेंगे, 2 12 और 2 6, है ना, 2 3 और 3 1 3, तो लिख सकते हैं इसे 24 2 into 2 into 2 sorry 2 into 3, 2 2 4 4 2 8 8 3 12, और a मल्टीप्लाइड बाय b मल्टीप्लाइड बाय b, ओके। अब फिर लास्ट में क्या है हमारे पास, 12 a स्क्वायर b, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 12 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 और मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय a स्क्वायर, मतलब a मल्टीप्लाइड बाय b। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, CF इज इक्वल टू, कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, इसमें भी 2 है तो इसमें भी 2, सब में 2 हो गया, 2 मल्टीप्लाइड बाय, इसमें 3 है लेकिन इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, हाँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 3 3, इस तरह से तीनों में 3 है, तो 3 भी क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर, ए इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, ओके, तो ए भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय ए, बी यहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी भी क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर, सी यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, इसलिए सी कॉमन फैक्टर नहीं है, बस इतना ही कॉमन फैक्टर हो जाएगा, मतलब 2 3 6 a into b, तो 6 a भी क्या हो जाएगा, कॉमन फैक्टर, ओके। आप जो है ना, इस तरह से जब एग्जाम आप जब बनाएंगे अपने नोटबुक में, तो इस तरह से मार्किंग नहीं करेंगे, बस समझ लेंगे, क्योंकि अगर ये फिर करना भी होगा तो पेंसिल से करेंगे, फिर बाद में मिटा देंगे समझने के लिए, नहीं तो एग्जाम में इस तरह करोगे तो हो सकता है आपका मैम या फिर टीचर जो है आपका मार्क्स काट सकता है, ओके। चलो आगे चले हम, तो आगे इस क्वेश्चन को आप लोग अपने आप अटेम्प्ट करेंगे, है ना, नहीं इस क्वेश्चन को चलो कर देते, इसमें माइनस है, माइनस देखे कन्फ्यूजन कर दे,
तो 16 of x cube is equal to, हम 16 का क्या करेंगे बच्चों, कॉमन फैक्टर निकालेंगे. तो 16 का क्या आ जाएगा, 8 और 2 4 जा और क्या आ जाएगा, 2 जा 2 1 जा. ठीक है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2. कितने 2 हो गए, 1 2 3, और हमारे पास हो गए 1 2 3 4. और x को लिख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाय x, 1 2 3, है ना, x को लिख सकते हैं ना, x क्यूब को. और फिर यहाँ पे क्या है, माइनस x 4x स्क्वायर, तो 4 को लिख सकते हैं, माइनस को यहाँ रख देंगे, 4 को 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, है ना, और x को x मल्टीप्लाइड बाय x. ये माइनस इसीलिए है, माइनस यही रहेगा क्योंकि माइनस इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, ओवरऑल क्या आएगा, माइनस. और x को x गुना x, और यहाँ पे जो है हमारे पास 32x है ना, तो क्या लिखेंगे 32 को, 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा, है ना, 16 16 2 जा 32, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32. आप 32 का ऐसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन यहाँ निकाल लेंगे, 2 16 2 8, है ना, 2 4 और 2 2 और 2 1. कितने 2 है, 1 2 3 4 5. अब देखेंगे हम सी एफ निकालने के लिए. सबसे पहले इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, और इसमें भी 2 है, ठीक है, तो 2 आ जाएगा, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा. इसमें 2 है, इसमें भी 2 है, है ना, इसमें 2 है, और इसमें भी, इसमें कितना 2 था, इसमें भी 2 है, है ना, और इसमें 2 है, इसमें भी है, तो दोनों का लिख दिए. अब तीसरा 2, इसमें तीसरा 2 है लेकिन इसमें तीसरा 2 नहीं है, ठीक है, और इसमें तीसरा 2 है, है नहीं, तीनों में जो होगा वही कॉमन होगा. और फिर क्या है नेक्स्ट, चौथा 2, तो 2 जब ये तीसरा नहीं तो चौथा कहाँ से होगा. अगर हम देखें x इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें भी एक x है, तो तीनों में क्या है, एक एक x भी कॉमन है, ठीक, देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये क्या आ जाएगा, x, ठीक है, तो 2 2 जा 4 x, माइनस कॉमन नहीं है क्योंकि माइनस इसमें और इसमें नहीं है, इसीलिए माइनस नहीं आएगा, तो 4x हमारा क्या हो जाएगा, आंसर. ओके, आगे चलते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन उसी तरीके से है जैसे कि हम ये वाला क्वेश्चन कर देते हैं, 8th नंबर क्वेश्चन, आप 7th नंबर अपने आप सॉल्व कर लेना, है ना. अगर कुछ दिक्कत होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आपके लिए हम फिर लेके आऊँगा दूसरा वीडियो. तो 3 का 3 और x स्क्वायर मतलब x मल्टीप्लाइड बाय x, और y क्यूब का मतलब y मल्टीप्लाइड बाय y, है ना. और यहाँ पे जो हमारे पास 10x³y² 10 ऑफ x³ और y², तो 10 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, और x³ मतलब x मल्टीप्लाइड बाय x, y मल्टीप्लाइड बाय y, है ना. और 6x²y²z लास्ट में है, 6x²y²z. कुछ बच्चे कंफ्यूज नहीं करना, आप अपने NCERT के बुक में देख लेना, x² है y² है z. इस तरह से PPT में कॉपी करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है. तो 6k 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, ठीक है, और x² का मतलब x मल्टीप्लाइड बाय x, y² का मतलब y मल्टीप्लाइड बाय y, और z, ठीक है. अब हम फिर निकालेंगे क्या, CF मतलब कॉमन फैक्टर. तो इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 कहीं भी नहीं है, जब एक में भी नहीं है तो कॉमन नहीं है. x इसमें है और इसमें भी है और इसमें भी है, तो x क्या आ गया, कॉमन. इसमें x है, दूसरा x इसमें है, हाँ इसमें एक x है, इसमें भी x है और इसमें भी x है, तो x भी क्या आ जाएगा, कॉमन. इसमें y है ना, अगर हम देखते हैं इसमें y है, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो y भी क्या आ जाएगा, कॉमन. इसमें y है, इसमें भी y है और इसमें भी y है, तो y क्या आ जाएगा, कॉमन. और इसमें y है लेकिन इसमें y क्या हो गया, ख़त्म. इसमें भी y ख़त्म, तो y नहीं आएगा. इसमें z है लेकिन नहीं, बस आपको क्या करना, किसी एक का ही सारे को चेक कर लेना, हो जाएगा, क्योंकि एक को ही पकड़ लेना जो सबसे छोटा होगा, है ना, उनसे ही आप सारे चेक कर लेना, आंसर आपका आ जाएगा. तो x गुना x, x स्क्वायर, y गुना y, y स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर.
ठीक है, आज के लिए इतना ही। लेकिन आपको उससे पहले क्या करना है, आपको हमारे जो आसपास पेड़ पौधे हैं उसे हर बर्थडे में आप अपने पेड़ लगा सकते हैं। एक सेफ ट्री करना है, पेड़ को अननेसेसरी नहीं काटना है, है ना। हमारे अगर पेड़ को लगाएंगे तो हमारे अर्थ भी बचेगा, जिंदगी बचेगा, और आपको पेड़ लगाना ज़्यादा से ज़्यादा। कूड़े को कूड़ेदान में ही डालना है हर हाल में। एनवायरमेंट को सेव करना है ना। आसपास साफ सफाई रखना है, हॉर्न बिल्कुल ना बजाए अननेसेसरी। और आपको हर हाल में ट्रैवल करना है ना, बस में ही करना है। अपना निजी कार को इस्तेमाल कम से कम करें, और जब बल्ब ना जले तो बल्ब को ना जलाए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। आपको आसपास साफ सफाई करना है और एक दूसरे की मदद करना है। और हमारे वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अगर पसंद नहीं आता है तो डिसलाइक करो, और डिसलाइक करने के बाद ये जरूर लिख दिया करो कि आपने पसंद क्यों नहीं किया, ताकि मैं आगे वीडियो को और अच्छे तरीके से आपके पास ला सकूँ। थैंक यू। क्यों किया, ताकि मैं आगे इम्प्रूव कर सकूं, है ना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।